बोलते हैं, जो पढ़े लिखे हम तो अनपढ़ गंवा रहे हैं, जो पढ़े हैं उनको तो कुछ दे नहीं रहे हैं। हमारा काम पढ़े लिखे कर रहे हैं तो हमको क्या काम मिलेगा? कुछ भी नहीं सर, बैठने खड़ा होने का जगह नहीं है, खाना की तो बात छोड़िए साहब। यार में रेट कम है, रेट कम इसलिए बाहर जाते हैं। ट्रेन में खाना उना मिल रहा था? नहीं। देख रहे न्यूज़ 4 नेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम। देखिए आज से नहाए खाए के साथ छठ महापर्व का शुरुआत हो गया है। जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं अपने परिवार के साथ छठ मनाने के लिए बिहार वापस लौट रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पिन्नू चौहान। कहाँ से आ रहे हैं? सर हम आ रहे हैं जौनपुर से, ईटा पाटते हैं सर। ईटा पाटते हैं जी। बिहार में रोजगार नहीं मिलता? जी नहीं, कुछ भी अगर हमको रोजगार मिलता तो हम जौनपुर जाते, ईटा पाटने। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार हम कुछ भी नहीं सर, ऐसा क्यों? सीट उट मिला था ट्रेन में? कुछ भी नहीं सर, गेट पे चल के देखिए मेरा हालत देखिए सर, हम गेट पे बैठ के आ रहे हैं, बैठने का जगह नहीं, यहाँ कुल्ली किए हैं, मुंह धोए हैं और देखिए लेकर 10 रुपया खा रहे हैं सर। खाना पानी मिल रहा था ट्रेन में? कुछ भी नहीं सर, बैठने खड़ा होने का जगह नहीं है, खाना की तो बात छोड़िए साहब। कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से आ रहे हैं। क्या करते हो लखनऊ में? काम करते हैं। सीट उट मिला था ट्रेन में? ट्रेन तो अभी भोर तक सीट नहीं मिला हुआ। बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, लखनऊ फिर कहे जाए? काम करने जाते हैं। रोजगार बिहार में नहीं मिल रहा है? कम रेट मिलता है ना, उधर ज़्यादा मिलता है। बिहार में रेट कम है, रेट कम इसलिए बाहर जाते हैं। ट्रेन में खाना उना मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। ट्रेन में सीट उट मिल गया था? नहीं, सीट भी नहीं मिला। कैसे आए? पूरा ठहरे हो के आए, खड़े होकर ट्रेन में आए। कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से आ रहे हैं। क्या करते हैं लखनऊ? लखनऊ में काम कर रहे हैं। बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा? कहाँ नहीं मिला, नहीं मिल रहा। नीतीश कुमार तो कहने कि हम बिहार में रोजगार दे रहे हैं। मिलता तो करते, लेकिन रोजगार बिहार में नहीं मिला। नहीं मिला। खाना पाना मिल रहा था? नहीं कुछ नहीं मिला। कहाँ से आ रहे हैं? नहीं यही सुना लोगों का क्या कहना है। लोग कह रहे हैं कि हमें एक ट्रेन में सीट नहीं मिल रहा है, हम खड़े खड़े वहाँ से आ रहे हैं। लोग बिहार से बाहर रहते हैं क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं, अगर रोजगार भी है तो यहाँ रेट कम मिलता है, बाहर में हमें रेट ज़्यादा मिलता है। आज से आपको बता दें कि आज से छठ महापर्व का शुरुआत हो रहा है। आज नहा खा के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गया है। कल खरना होगा और परसों डूबते सूर्य का अर्घ दिया जाएगा और 20 तारीख को उगते हुए सूर्य के अर्घ के साथ छठ महापर्व का समापन होगा। उसके बाद फिर बिहार के लोग बाहर जाने के लिए फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर रेलवे लाइनों में भीड़ लगेगा, ट्रेनों में भीड़ लगेगा। आपको बता दें कि हम लगातार आपको न्यूज़ 4 नेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं कि लोग किस प्रकार से दिल्ली से और पंजाब हरियाणा से लोग बिहार आ रहे हैं। ट्रेन में उनको सीट नहीं मिल रहा है, बाथरूम में बैठकर आने को मजबूर हैं, ट्रेन पर खड़े खड़े गेट पर आ रहे हैं। इसी प्रकार के तमाम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।